हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलोवेरा जेल हम कौन सा खरीदें, कौन सा परचेज करें। देखिए, काफ़ी सारे कमेंट मुझे मिलते हैं कि मैम हमें एलोवेरा जेल लेना है, लेकिन हम कौन सी ब्रांड का खरीदें, कौन सा हमारे लिए अच्छा होगा जो हमारी फेस पर वर्क करें, फेस को अच्छे से क्लीन करें, पिंपल से बचाए या फेस को अच्छे से ग्लो करें। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे ही एलोवेरा जेल्स के बारे में, जिनको आपको लेना चाहिए, कौन से ऐसे एलोवेरा जेल है जिनसे आपको बचना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको अपनी काफ़ी सारी वीडियो में बताया होगा पतंजलि के एलोवेरा जेल के बारे में, मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी तक कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। काफ़ी सारे लोग हैं जो मुझे कमेंट करते हैं जिस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है पतंजलि एलोवेरा जेल के बारे में, कि मैम इनको लगाने से मैं पिंपल्स हो गया या फेस काला हो गया, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से यूज कर रही हूँ और अभी भी मैं यूज करती हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता इन एलोवेरा जेल से। मेरे मोस्ट फेवरेट एलोवेरा जेल है पतंजलि के, पतंजलि का सौंदर्य वाला एलोवेरा जेल, केसर चंदन वाला, और इधर पतंजलि का एलोवेरा जो ग्रीन वाला आता है, दोनों। तो ये दोनों जेल मेरे बिल्कुल बेस्ट हैं, परफेक्ट हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। देखिए, इनको यूज कैसे करना है, दोनों के तरीके अलग अलग हैं। जो ग्रीन वाला एलोवेरा जेल है उसका अलग तरीका होता है, और जो येलो वाला है उसका अलग तरीका होता है। मैं यहाँ पर बता दूँ आपको, देखिए, अगर आपको पिम्पल्स की प्रॉब्लम है, पिम्पल्स के निशान हैं, स्किन काफ़ी खींची खींची रहती है, स्किन आपको लग रहा है कि आपकी स्किन में काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस है, ऐसे केस में आप ग्रीन वाला यूज करिए पतंजलि का, ठीक है। एंड आपको अगर ग्लो चाहिए फेस पर, आपका फेस काला पड़ रहा है या आपको ग्लो चाहिए, तो ऐसे केस में आप केसर चंदन वाला एलोवेरा जेल यूज करिए। दोनों के तरीके, दोनों के काम अलग अलग होते हैं, तो ये दोनों इस तरीके से आपको यूज करना है। पिंपल प्रॉब्लम के लिए आप दूसरा ग्रीन वाला यूज करिए, एंड केसर चंदन वाला आपको फेस ग्लो और क्लीन करने के लिए यूज करना चाहिए। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं वाउ के एलोवेरा जेल की। देखिए, वाउ एलोवेरा जेल भी काफ़ी अच्छा है, इसको भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ में आपको बताया है, लेकिन हर किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन मुझे पर्सनली इससे प्रॉब्लम हुई थी। जब जैसे ही मैं इसको लगाती हूँ तो मुझे एक इरीटेशन, एक जलन मेरे फेस पर मुझे महसूस होती है जब भी मैं लगाती हूँ। अभी भी मेरे पास रखा है, जब भी मैं इसको लगाने की कोशिश करती हूँ तो मेरी आँखों में थोड़ी जलन और स्किन थोड़ी मुझे जली सी लगाई, मतलब लगती है, जलन मुझे फील होती है। तो अगर ये आपको सूट करता है तो आप इसको खरीद सकते हैं, बाय कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ये सूट नहीं किया, इसीलिए मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप इसको सोच समझ के लें। अगर आप इसको ले रहे हैं तो लेने के बाद, लगाने से पहले आप इसका पेस्ट टेस्ट कर लें, इस तरीके से अपनी स्किन पर लगा लें पहले, यहाँ पर या नेक पर, और आपको अगर जलन, इरिटेशन, खुजली महसूस होती है तो आप इसको बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि मुझे पिंपल की कोई प्रॉब्लम नहीं होती फेस पर, लेकिन जलन और इरिटेशन की मुझे प्रॉब्लम होती है वाउ के एलोवेरा जेल से। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ गुड वाइब्स के एलोवेरा जेल के बारे में, ये भी मैंने यूज किया हुआ है, काफ़ी अच्छा एलोवेरा जेल है गुड वाइब्स का, काफ़ी कम प्राइस में मिल जाता है, 150 या 200 की रेंज में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के साथ ये मिलता है, ये हमें purple.com पर ही मिलता है। तो ये जो एलोवेरा जेल है गुड वाइब्स का, ये काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अलग अलग आते हैं इसमें, आप इसमें ऑरेंज वाला ले सकते हैं, रोज़ वाला ले सकते हैं, काफ़ी अलग अलग प्रकार के आते हैं, इनमें से कोई सा भी खरीद सकते हैं। मेरे लिए तो सारे के सारे एलोवेरा जेल बेस्ट है। वाव थोड़ा सा मेरी स्किन पर प्रॉब्लम किया था वाव वाले ने, इसलिए मैंने उसके बारे में आपको बताया, बाकी आप पतंजलि का, गुड वाइब्स का ले सकते हैं। पतंजलि के जो आप दोनों के दोनों आँख बंद करके ले लीजिए, क्योंकि काफ़ी कम लोगों में ऐसा देखा गया है कि इसको प्रॉब्लम करता होगा, यह हर किसी की स्किन पर ही अच्छे से सूट कर जाता है। गुड वाइब्स का अगर आपको यूज करना है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मेन चीज़ ये है कि आप लगाते कैसे एलोवेरा को, एलोवेरा के लगाने का सही तरीका भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, एलोवेरा को हमेशा हमें नाइट को यूज करना चाहिए, जब हम रात को सोने जाते हैं उससे पहले आपको अच्छे से अपना फेस क्लीन करना है, उसी के बाद आपको अपने फेस पर एलोवेरा लगाकर सो जाना है, बस ये सही तरीका है एलोवेरा को अपने फेस पर लगाने का। अगर आप फेस को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, पिंपल फ्री बनाना चाहते हैं, दाग धब्बे हटाना चाहते हैं, तो रात के समय ही आप एलोवेरा को यूज करिए। एलोवेरा को आप विटामिन ई कैप्सूल के साथ मिलाकर यूज कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा तरीका है। विटामिन ई के कैप्सूल आपको इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, मेडिकल शॉप पे भी मिल जाते हैं, तो एलोवेरा और विटामिन ई के कैप्सूल अगर साथ में मिलाकर लगाते हैं आप, तो आपके फेस की काफ़ी सारी प्रॉब्लम दूर होती है। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई हो, आप इनमें से कोई सा भी खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे एलोवेरा जेल है मार्केट में, और भी बड़ी ब्रांड है जो, अगर आप इनको नहीं खरीदना चाहते और खरीदना चाहते तो आप उनके साथ जा सकते हैं, लेकिन मैंने जो यूज किए हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है कि मुझे ये सारे मुझे पसंद आते हैं और मेरी स्किन पर सूट करते हैं, तो आप इनको खरीदिए, अच्छा लगता है तो खरीदिए, या फिर आप अपनी मर्जी से जो खरीदना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।